भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूं कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ कर सकता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलत फहमी हो सकती कि कॉन्ट्रडिक्शन है, जब अल्लाह ताला फरमाते हो, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाए कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा, तो फिर अल्लाह सुबहाना व ताला अनजस्ट होंगे। माफ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तोबा करता है तो मैं उसे माफ करूंगा। तोबा करने के शराइत है, तोबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है, नंबर दो उस गलत काम को रोकना चाहिए, नंबर तीन उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए, नंबर चार अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए, तो अगर वो तोबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा। उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है, इसीलिए अल्लाह सुभाना व ताला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफी मांगने का मौका दिया जाएगा, और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है, क्योंकि अल्लाह सुभाना व ताला दयालु है, He is loving, He is merciful, He is beneficent. इसमें कोई contradiction नहीं। अल्लाह सुभाना व ताला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का। Hope that answers the question. इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।